हे मोदी भैया, आप हर बार जीतो, हर बार प्रधानमंत्री बनो, हमारी दुआ है आपके लिए। लेकिन मोदी भैया, पिछली बार की तरह ऐसा कुछ मत करना कि मुझे फिर से कहना पड़े मोदी जी मैं बर्बाद हो गई। प्लीज भैया, ऐसा कुछ मत करना इस बार। मैंने अपने पति से चुरा चुरा के 5 सालों में ये पैसे जोड़े हैं, और हाँ मैंने इतने जेवर भी खरीदे हैं, और हाँ पति की चोरी चोरी मैंने एक प्लॉट भी ले लिया है, और हाँ इसकी रजिस्ट्री भी करा ली है। मैंने 5 सालों में जितनी भी चोरी अपने पति से छुपा छुपा के की है वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। पिछले 5 सालों से अपने पति देव को इतना चूना लगाया है मैंने, बड़ी मेहनत से अपने घर में चोरी कर करके जोड़ा है ये मैंने। मेरे पास क्या क्या है और कितना कितना, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। मेरी तरह और भी लाखों बहनों ने चोरी कर करके जोड़ के रखा होगा ना। हमारे साथ हमारी उन बहनों की मेहनत पे पानी मत फेर देना मोदी भैया। प्लीज भैया, इस बार ऐसा मत करना। मोदी भैया, लगता है मेरे पति देव आ गए, मैं ये सब छुपा देती हूँ। आ गए जी। हाँ, मैं तो बड़ी देर से आया हूँ, लेकिन तुमने दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? चलो। पानी लाऊं आपके लिए जी? हाँ ले आओ, प्यास तो लग रही है। चलो, अच्छा हुआ मोदी जी प्रधानमंत्री फिर बन गए, कम से कम देश में शांति तो रहेगी और 5 साल तक कहीं दोबारा अशांति ना आ जाए सबके घरों में। पिछली बार प्रधानमंत्री बनते ही नोटबंदी हो गई थी, इस बार भी कुछ सोच के ना बैठे हों मोदी जी। हे मोदी जी, रहम करना हम गरीबों के ऊपर। ए जी, हाथ किसके सामने जोड़ रहे हो? बड़ी टेंशन में लग रहे हो। लो जी, पानी पियो। मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर जितनी खुशी हो रही है, कहीं ना कहीं दुख भी उतना ही हो रहा है सोना। वो क्यों जी? सोना, पिछली बार की तरह इस बार भी कोई खुराफात आ गई उनके दिमाग में तो क्या होगा, यही चिंता खाए जा रही है। हाँ, बात तो आप 1 लाख रुपए की कर रहे हैं जी। सोना, अगर तूने कुछ जोड़ वोड़ रखा हो तो बता दियो, मैं ठिकाने लगा दूंगा। अगर मोदी जी ने ठिकाने लगाया तो भारी पड़ जाएगा। पैसा और मेरे पास, क्या बात कर रहे हैं जी। जितना मांगती हूँ आपसे उसका आधा ही देते हो। घर कैसे चलाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। अगर 1 रुपया भी मिल जाए ना मेरे पास तो ये छत टूट के मेरे ऊपर गिर जाए। अच्छा चल छोड़, कुछ जेवर वगैरह जमा कर रखा हो तो बता देना, क्या पता इस बार मोदी जी का कहर सोने चांदी पर ही टूट पड़े। हे भगवान, मेरे पास तो सोना भी है, पैसे भी हैं, और प्लॉट के कागज भी हैं। जेवर और आपकी कमाई से बना पाऊंगी मैं? जो कुछ बचा है वो भी बेचने की नौबत आ गई है। कितना शक करते हो जी आप मेरे पे, नरक में जाओगे नरक में। मेरी जैसी गाय के ऊपर शक कर रहे हैं आप। सुन ले, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे कहीं इन्वेस्ट किया हो तो बता देना, कहीं प्लाट वलाट। हे भगवान, भांग वांग तो नहीं खा रखी है आपने? ऐसी ऐसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप हमसे, 1-1 रुपए के लिए तरसा रहे हो आप, पैसे और प्लाट की बात करते हो आप। सोना, अंदर से खबर आई है, किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी जी, अंदर से कौन सी खबर आई है? इस बार मोदी जी का कहर 3 जगह टूटने वाला है, 3 जगह है। 3-3 जगह टूटने वाला है मोदी जी का कहर? ज्यादा भी हो सकता है। किस किस के ऊपर टूटने वाला है मोदी जी का कहर जी? सोना है, मेरे ऊपर क्यों टूटेगा मोदी जी का कहर? मैंने उनकी भैंस खोल रखी है क्या? पागल, तेरे ऊपर नहीं, सोने के ऊपर, सोने के। है, ये क्या कह रहे हो जी आप? सोना, नोट, जमीन, इन तीनों के ऊपर मोदी जी का कहर टूटने वाला है इस बार।
सोना सोना सोना, अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई तू? सोना को कहाँ खोना है जी, सोना तो आपके पास ही है। खाना लगा दो सोना, रात बहुत हो गई है। कल की न्यूज बताएगी कि मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जी सुनो ना, उठो ना, जागो। सोना सोने दो ना यार। ए जी, ये सोना तुम्हारी सोना को सोने नहीं दे रहा है। सोना, ये सब क्या है? सोने के साथ नोट भी है जी, और 100 गज प्लाट की रजिस्ट्री भी है। सोना, ये तू क्या कह रही है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ए जी, इनको ठिकाने लगा दो ना जी। अगर मोदी जी ने ठिकाने लगा दिया ना, तो मैं ठिकाने लग जाऊंगी। ये है मोदी जी के नाम की दहशत, अच्छे अच्छे ठिकाने लग जाएंगे अब।